हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कंपनीज के बारे में जिसके फंडामेंटल तो बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हमें इस स्टॉक्स में करेक्शन दिखाई गई है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं बात करते हैं। पहली हमारी कंपनी है इन्फो एज, यानी कि नौकरी। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 64,536 करोड़ का। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 5,006 पे। तो देखिए, इन्फो एज जो कंपनी है ये एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में डील करती है। अगर हम इनका बिजनेस का पोर्टफोलियो देखें तो ये रिक्रूटमेंट में नौकरी.com है, मैट्रिमोनी में जीवन साथी, रियल एस्टेट 99acres और एजुकेशन में शिक्षा.com है। इनका जितना भी इन्वेस्टमेंट का इनका जो प्रॉफिट हुआ है, उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किए थे IPO, जहाँ पे जोमेटो और पॉलिसी बाजार, यहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था। ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी IPO इनके, इन्होंने अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाया था, लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक किया है। लेकिन जोमेटो और पॉलिसी बाजार में जिस तरीके से करेक्शन आया है, उसी के चलते हुए यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। अब देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो यहाँ पे DII ने रिसेंटली इनके जो स्टेक्स है वो बढ़ाए हैं। चार्ट में अगर आप देखें तो ये है इसका वीकली चार्ट। तो देखिए, वीकली चार्ट में यहाँ पे हम लोग अभी सपोर्ट लेवल पे इसका क्लोजिंग हुआ है, जो कि हुआ है 5040 पे। अगर यहाँ पे पहले देखें तो उसके बाद हमारा मेजर जो सपोर्ट है वो है 4326 के आसपास। तो देखिए, इसने अच्छा खासा यहाँ पे एक बेस बनाया है। इसके पहले इसने यहाँ पे एक W फॉर्म किया था, W चार्ट पैटर्न, और उसी का उसने एक ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट 7000 के यहाँ पे हाई लगाए और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस करेक्शन आया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये सपोर्ट जो है, हम इसको डेली चार्ट में देखते हैं, यहाँ पे जो सपोर्ट है जो है 5040 का, अगर यहाँ से भी ये ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो है 4326। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर एक दो दिन में नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी अगर रेड में यहाँ पे आती हैं, तो वहाँ पे हमें देखना है कि जब तक यहाँ से रिवर्सल के साइन नहीं आते, मतलब एक तो ग्रीन कैंडल यहाँ से फॉर्म होनी चाहिए। अगर ये 5040 का यहाँ पे सस्टेन करता है और यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। टारगेट हमारा रहेगा 5600 का। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे जाता है और यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा 4326 का, जहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे भी एक रिवर्सल के, यहाँ से एक तो रिवर्सल के चांसेस रहेंगे, एक तो यहाँ से फर्स्ट रिवर्सल के चांसेस रहेंगे, नहीं तो फिर सेकंड यहाँ से रिवर्सल के चांसेस रहेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 5600 का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर ला सकता है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट जो है वो रहेगा 6000 का। कंपनी बहुत अच्छी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आप इसको में बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं कुछ सालों के लिए, अच्छा खासा आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकती है। नेक्स्ट जो कंपनी है हमारी वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 14,230 का। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है इसकी 2,725 पे। तो देखिए, यहाँ मेट्रोपोलिस की अगर हम बात करें तो ये हेल्थ केयर कंपनी है। इनके चेन है 124 क्लिनिकल लैब है, 2,400 कलेक्शन सेंटर हैं अक्रॉस 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। अगर हम यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है 9.09% से। न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो 19 जनवरी को यहाँ पे न्यूज़ आई है, जहाँ पे उनकी जो प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमीरा शाह, उन्होंने बताया कि ये लोग फोकस कर रहे हैं स्मॉल सिटीज़ में यहाँ पे एक्सपांड करने की। जिस तरीके से COVID-19 टेस्टिंग चल रही है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी डिमांड है कि ये अपनी कंपनी जो है ये एक्सपांड करे। तो आने वाले जो 3 साल है यहाँ पे इनका फोकस है, जो Tier 2, Tier 3 जो सिटीज़ हैं इंडिया की, वहाँ पे ये 90 मोर लैब्स और उसी के साथ 1,800 सर्विस कलेक्शन सेंटर्स 100 से लेकर 150 सिटीज़ में ये ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से इनका एक्सपांशन चल रहा है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर इनके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। COVID-19 के चलते, ओमिक्रॉन के चलते हुए, जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी इनकी अच्छी खासी होने वाली है। तो इनका फाइनेंशियल रिजल्ट भी हमें अच्छा खासा आते हुए आगे के सालों में दिखाई दे सकता है। अब अगर हम बात करते हैं January 20 की न्यूज़ की, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि बजट के बारे में, बजट आने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ फेब में। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर टू रिसीव मैक्सिमम प्रायोरिटी इन बजट। मतलब अगर जिस तरीके से यहाँ पे हेल्थ केयर पे फोकस है गवर्नमेंट का, ओमिक्रॉन है कोविड की वजह से, तो अगर कैबिनेट अगर यहाँ पे अप्रूव करता है कुछ फंडिंग हेल्थ केयर के लिए, तो इनके लिए ये जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनीज है उन सब के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। और
फेब 1st डे कभी बहुत ही पास में आ रहा है, तो इस स्टॉक जितने भी स्टॉक हैं यहाँ से एक टर्न अराउंड या तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल दिखाने के इनके बहुत ही अच्छे खासे चांसेस दिखाई देते हैं। अब देखते हैं इसके चार्ट में, तो ये है डेली चार्ट। तो देखिए डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखें, हम लोग ऑलमोस्ट अभी सपोर्ट के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसने 3500 का हाई लगाया था और वहाँ से कंटिन्यूस यहाँ से करेक्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट हमारा 2630 का है जो मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ है, तो ये सपोर्ट हमारा इंटैक्ट है। तो हमें देखना है कि ये 2627 या 30 के आसपास जैसे आता है वहाँ से, एक तो यहाँ से इसने अगर रिवर्सल साइन दिखाने दिए तो यहाँ पे हम अच्छी खासी बाइंग करके चल सकते हैं। अगर ये यहाँ से भी टूट के नीचे की तरफ जाता है तो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 2280 का, क्योंकि यहाँ पर इसने अच्छा खासा एक बॉटम बनाया हुआ है। तो ध्यान दीजिए इन लेवल पर, अगर ये 2630 भी तोड़ता है तो हमें वेट करना पड़ेगा आगे के रिवर्सल के लिए। एक तो ये यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है, अगर ये यहाँ से भी ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट 2280 है जहाँ से ये रिवर्सल दिखा सकता है। मोस्टली चांसेस ये हैं कि ये इस लेवल जो 2630 है यहाँ से दिखाएगा, क्योंकि बजट अभी बहुत ही पास में आए हैं और वहाँ से यहाँ से ही अप ट्रेंड रैली शुरू कर सकता है। लेकिन जब तक आपको रिवर्सल नहीं दिखाई देता तब तक इसमें निवेश ना करें। ये जो स्टॉक है अभी 200 के लेवल है, इसने अभी तोड़े हैं और इसलिए ये करेक्शन में यहाँ पे चल रहा है। अगर हमें यहाँ से एक रिवर्सल दिखाई देता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा 2880 का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक हर्डल है ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा। और यहाँ पे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो रहेंगे 3103 के, क्योंकि देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए। तो ये छोटे छोटे टारगेट हमें देखने पड़ेंगे और उसी के हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो अपना यहाँ पे उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इसको माने तो मेट्रोपोलिस बहुत अच्छा सेक्टर है। फाइनेंशियल ईयर अगर आप 2-3 साल का अगर देखेंगे तो आने वाले साल हैं इनके लिए, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अच्छा खासा ये मुनाफा बांध के चले कोविड के चलते हुए। तो ध्यान दीजिए इन सारे स्टॉक पे। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 5,42,732 का, लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है इसकी 2,261 में। तो देखिए अगर हम हल की बात करें तो ये एक मार्केट लीडर है FMCG का, इंडिया का लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है, 44 ब्रांड है इसके 14 डिस्टिंक्ट सेक्टर में, ये मोस्ट इनोवेटिव कंपनी है। अगर ग्लोबली रैंक दिया जाए तो ये ग्लोबली नंबर 8 पे आती है। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका ये कहना था कि उनको जो जिस प्राइस पे प्रोडक्ट मिलते हैं वो कंपेयर टू ऑर्गेनाइज B2B डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके कंपैरिजन में उनको बहुत महंगे मिलते हैं, और इसी के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में बॉयकॉट किया था नेस्ले प्रोडक्ट जो हल्का प्रोडक्ट है उस पर। लेकिन ये जो इशू है अभी के लिए सॉर्ट आउट हो चुका है और आने वाले 3 महीने तक इन्होंने अभी आंदोलन जो है ये पीछे ले लिया है। तो आने वाले जो न्यूज़ है उस पर भी नज़र रखिएगा। उसी के साथ यहाँ पर आए हैं HUL के रिजल्ट, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इनके जो प्रॉफिट हैं वो 17% ईयर ऑन ईयर बढ़ गए हैं, ये बढ़कर हो गई है 2,243 करोड़, जो कि एस्टिमेट था और एस्टिमेट से ज़्यादा ही यहाँ पे मुनाफा आया है। तो इन्होंने डिटेल में बताया कि इनके जो नेट प्रॉफिट हैं ये 16.76% से ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़े हैं, जो कि लास्ट ईयर ये थे 1,921 करोड़, अभी बढ़कर हो गया है 2,243 करोड़ का। उसी के साथ इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो भी 10.23% से बढ़ा है। अगर हम क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में ये थे 11,959 करोड़, जो कि अभी बढ़कर हो गए 13,183 करोड़। इसी तरीके से अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स भी इनके बढ़कर हो गए हैं 12,900 करोड़, जो कि पिछले इसमें क्वार्टर में थे ये 11,682 करोड़ के। ऑपरेटिंग या रेवेन्यू भी यहाँ पे 192 करोड़ से ऊपर हुआ है, जो कि पिछले बार 12 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में। तो देखिए यहाँ पे जो भी प्रॉफिट इनका आया है, इनके रिजल्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आए हैं, और यही हमको अभी कल के सेशन में अच्छा खासा यहाँ पे चार्ट में भी हमको स्टॉक में दिखाई देना चाहिए। देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, यहाँ पे सिर्फ करेक्शन हुआ है। ये है इसका वीकली चार्ट, अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो देखिए यहाँ से इसने अच्छा खासा अप ट्रेंड ही दिखाया है। ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपने कभी भी लॉस बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखते हैं तो ये आपको मुनाफा ही देगी। तो देखिए ये यहाँ से इसने
कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड रैली दिखाई है, लेकिन अभी रिसेंटली जो इश्यूज थे जो चल रहे थे उसकी वजह से यहाँ पे एक करेक्शन आया है। 200 का जो हमारा लेवल है वो अभी भी 2040 पे है, मतलब वो हमने अभी भी टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन तोड़ के थोड़ा नीचे आया है। तो अभी हमें देखना है कि यहाँ से अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से अगर यहाँ से अप ट्रेंड दिखाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें वेट करना पड़ेगा इसके रिवर्सल के लिए। तो देखिए अगर हम डेली चार्ट की अगर बात करते हैं तो डेली चार्ट में यहाँ पे देखिए ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, सपोर्ट ट्रेंड लाइन तो उसने ब्रेक कर दी है, लेकिन अभी ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो बन गई है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस। तो हो क्या रहा है, ये जब भी इसने यहाँ से बाउंस तो दिया लेकिन ये हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन गई है, और वहाँ से ही ये फिर से सेलिंग प्रेशर आके नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी हमें करना क्या है, नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट है वो है 2125 के आसपास। तो हमें देखना है कि ये यहाँ पे आके यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है और यहाँ से अगर रिवर्सल के साइन देता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है और हमारे टारगेट रह सकते हैं 2315 के। लेकिन अगर ये जो लेवल है हमारा 2125 का वो भी अगर ब्रेक करता है तो हमें वेट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरीके से इनके अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं, हम यहाँ पे इतनी गिरावट नहीं देखने को मिलने चाहिए। तो हमें वेट करना है कि ये जो हमारा फर्स्ट जो सपोर्ट इसने तोड़ा है इसने 2315 पे सस्टेन करना चाहिए। जैसे ही ये 2315 के ऊपर सस्टेन करता है, कंसोलिडेट करता है, तो उसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ही हमारा बन जाएगा टारगेट, जो कि होगा 2440 का। और जैसे ही ये फिर से ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जब ये ट्रेड करने लगेगा फिर से ये आ जाएगा अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए लेवल का, रिवर्सल का, और जैसे रिवर्सल के साइन दिखाई देते हैं सस्टेन करते हैं तो उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे बने रहिए, कुछ सालों में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है। और जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है या कोई भी चीज़ें इन्फ्लेशन का जो भी यहाँ पे असर दिखाई देता है ये आराम से अपने प्राइजेस जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट जो आप बढ़ा के कंज्यूमर को पास कर सकती है आसानी से। तो यहाँ पे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जा रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो हेल्दी करेक्शन माना जाता है। तो वेट कीजिए लेवल्स का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।